हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कैसे आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की सो so, इनकी तरफ से भी इनवाइट किए गए हैं अपलिकेशन फॉर पीएचडी एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सो so, सबसे पहले आप इस इंफॉर्मेशन को देखने के लिए इनके वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जो कि है कश्मीर राइट लिंक जो भी रिक्वायर्ड है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऑल्सो जब आप वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आप देख पाएंगे नाग की तरफ से इस यूनिवर्सिटी को ए प्लस ग्रेड मिला हुआ है है ऑल्सो जो इनकी ओवरऑल रैंकिंग्स वगैरह है एन आई एफ ट्वेंटी ट्वेंटी टू में एंड क्यू एस ब्रिक्स ट्वेंटी में तो उसका भी देख सकते हैं ठीक है एंड येस yes, तो जब आप इनकी वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो ऑफकोर्स स्क्रॉल करेंगे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ नोटिफिकेशन एंड अनाउंसमेंट्स का सेक्शन दिख रहा है तो ये जो नोटिफिकेशन है ये ट्वेंटी फिफ्थ को आया है एंड ट्वेंटी सेवन से एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था तो so, आप यहाँ पर स्क्रॉल कर लीजिएगा आप क्योंकि डेट यहाँ मैंशन है तो इसलिए आपके लिए भी ईजी होगा ट्वेंटी फिफ्थ का है तो ट्वेंटी फिफ्थ अप्रैल आप यहाँ देखिए सकते हैं सो एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर पी प्रोग्राम तो चलिए इस नोटिफिकेशन को देखते हैं जी तो ये है नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम एप्लीकेशन पोर्टल एक्टिव है ट्वेंटी सेवन ऑफ अप्रैल से एंड जो लास्ट डेट है वो है सेवनटीन ऑफ मई ठीक है सत्रह मई देन अभी मेन कैंपस भी है कुछ सैटेलाइट कैंपस भी हैं तो एडवर्टीजमेंट अभी हम देख लेंगे जो पेपर वाला होता है या फिर मैं शेयर कर दूंगी सो so, एनी anyway, Uh, कितनी वैकेंसीज़ हैं किस सब्जेक्ट में तो वो यहाँ पे मेंशन किया गया है एंड कैटेगरी वाइज नहीं है बट स्टिल तो जैसे सबसे पहले अरेबिक है तो इसमें एक वैकेंसी है टोटल देन आर्क्योलॉजी में अगेन एक वैकेंसी है तो ये सभी वैकेंसीज़ अभी मेन कैंपस मेन यूनिवर्सिटी की हैं सो आफ्टर दैट बायोकेमिस्ट्री है तो ये सुपरवाइजर के बारे में मैं है इसलिए हम इसे नहीं देख रहे हैं बट हाँ सो बायो केमिस्ट्री जिसमें कि तीन सीट है बायो केमिस्ट्री एंड एस आई थिंक एस आई आर आई लिखा है तो इसमें वन है तो सुपरवाइजर सेंटर्स जैसे होते हैं ना कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं तो जैसे वो हो सकता है बायो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर भी हों ऑलसो ये जो सेंटर है इसमें भी हो तो मुझे जेनवनली अभी इसका फुल फॉर्म नहीं पता है तो देखती हो शायद आगे लिखा होगा या आई नो कुछ कॉमन ही होगा हो बट अभी मुझे बिल्कुल नहीं पता है एनी so एनीवे anyway, तो एक उनके अंडर है एंड एन... तीन जो है बायो डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर के अंडर है ठीक है तो टोटल फोर सीट्स हैं देन बायोटेक्नोलॉजी है जिसमें कि टोटल सेवन सीट्स अवेलेबल हैं आप देख सकते हैं फाइव प्लस टू देन बायो रिसोर्स थ्री सीट्स बॉटनी में टोटल फोर सीट्स हैं देन क्लिनिकल बायो है जिसमें कि आप देख सकते हैं मेन कैंपस में टू सीट्स हैं एंड बाकी जीएमसी श्रीनगर में जो इनका सैटेलाइट सेंटर है उसमें है फाइव सीट्स ठीक है देन केमिस्ट्री है सो आई थिंक ये भी जो इनका कोई सेंटर है ना उसी का कुछ नाम होगा केमिस्ट्री में मेन कैंपस

टू सीट्स नैनो टेक्नोलॉजी सेवन दैन पर्सन है जिसमें कि टोटल हैं इलेवन सीट्स, फिजिक्स में टोटल फिफ्टीन है देन फार्मास्यूटिकल साइंसेज अब इसमें भी देखिए अलग अलग ये तो मुझे मोरलेस एरियाज जैसा ही लग रहा है जैसे फार्माकॉग्नसी में है एंड फाइटोकेमिट्री इसमें ओवरऑल थ्री है फार्माकोलॉजी में टेन है फार्मा प्रैक्टिस में फोर है देन के फार्मा केमिस्ट्री वन फार्मास्यूटिक्स टू एंड फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी थ्री साइकोलॉजी में फाइव सीट्स देन संस्कृत में एक है सोशियोलॉजी में दो सीट्स हैं देन सोशल वर्क में दो है स्टैट्स में फाइव है उर्दू में एक सीट है अब ये है सेटेलाइट कैंपस या कितनी सीट सेटेलाइट कैंपस में है तो देखिए यहाँ पे ना फोर सब्जेक्ट्स में सीट्स अवेलेबल हैं सो कंप्यूटर साइंसिस में इलेवन सीट्स जो हैं वो साउथ कैंपस में हैं एंड एट सीट्स नॉर्थ कैंपस में हैं मैथ्स सेवन सीट्स साउथ कैंपस देन मैनेजमेंट स्टडीज सिक्स सीट साउथ नाइन सीट्स नॉर्थ कैंपस इंग्लिश में एक सीट साउथ कैंपस में है नॉर्थ कैंपस में है दो सीट्स देन क्राइटेरिया तो वही है कि आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट या अलाइट सब्जेक्ट में किसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स के साथ राइट right? एंड इसके बाद फाइव परसेंट रिलेक्सेशन एस सी एस टी ओ बी सी एन सी एल पी डब्ल्यू डी इसके लिए देन येस yes, अगर एम फिल भी किया है ए या बी ग्रेड के साथ या फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स के साथ तो आप भी एलिजिबल हैं नेक्स्ट यहाँ पर है डिजटेशन तो वो स्कॉलर जिन्होंने एम फिल किया है डिजटेशन हो गया है किसी और यूनिवर्सिटी से तो उनका पहले सिमिलैरिटी इंडेक्स से जो प्लैक चेक है वो होगा उसके बाद कंसिडर किया जाएगा पी के लिए राइट देन प्रोसीजर क्या है सो देखिए एंट्रेंस होगा एंड जो एंट्रेंस है उनके लिए है सो जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो है उनके अलावा तो उन्हें एंट्रेंस क्वालिफाई करना होगा कैसे करेंगे फिफ्टी फाइ सॉरी फिफ्टी परसेंट मार्क्स अगर होंगे तब करेंगे ना कौन कौन से कैंडिडेट्स एक्जामेड हैं सो नेट है जी आर एफ है सी एस आई आर का है यू जी सी का है आई सी आर का है ये सेट क्वालिफाइड है गेट है देन इंस्पायर फेलो है तो इनमें से जो भी है या कोई और फेलोशिप है टीचर फेलोशिप या ऐसा कोई और टेस्ट तो हाँ आप एलिजिबल हैं या फिर अगर एम फिल बी किया है तो भी आप एलिजिबल हैं एग्जेम्शन के लिए शैल बी एग्जेमटेड फ्राम दी एंट्रेंस टेस्ट आप डायरेक्टली इंटरव्यू दे पाएंगे दैन ये जो डब्ल्यू ओ एस ए या इंस्पायर फेलोज हैं तो ये सारी फेलोश आ, फेलोशिप्स होती हैं अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं या जे आर एफ है तो आपके लिए भी है कि सबसे पहले आपको ही प्रेफ्रेंस मिलेगी फर्स्ट इंस्टेंस पे आपका ही सिलेक्शन होगा एंड जहाँ पर वेकेंसीज जैसे कम है यहाँ पे लिखा है कि वे द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज लेस दैन दी नंबर तो देखिए जे आर फेलोज ही मान लीजिए ज़्यादा हैं वैकेंसीज़ कम हैं तो उनमें जो भी पीजी की मेरिट है उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा राइट तो शायद एंट्रेंस भी ना कराएं ऐसा भी हो सकता है ना वो एग्जेमटेड के लिए है तो प्लीज़ एक बार इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा एंड ये भी वो लिखा है कि एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा उन सब्जेक्ट्स के लिए जिसमें जे ज़्यादा है एग्जेप्टेड ज़्यादा है इन कम्पेरिजन टू जो सीट्स अवेलेबल हैं सो हाँ ऐसा है तो इसलिए जिसमें कम सीट है आई डोंट थिंक

अगर चाहते हैं अप्लाई करना वो भी कर सकते हैं बट वही है कि आप एम्प्लॉयड रहे हो एटलीस्ट टू ईर्स मतलब टू ईयर्स ऑफ सब्सटैशिप सर्विस रही हो एंड ये यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए तो अलग अलग है जैसे साइंटिस्ट हैं तो क्या टीचर हैं तो क्या गवर्नमेंट के टीचर हैं तो क्या तो ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं अब आप किस कैटेगरी में हैं वो देख सकते हैं फिर अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा कितना ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है ओके एप्लीकेशन आप कर सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस सही है सौ ही रुपये है हंड्रेड रुपीज़ है एंड बट हाँ रिफंड नहीं होती तो आप कर देंगे पेमेंट तो हो गया अब रिफंड नहीं होगा सेवेंटीनथ में लास्ट डेट है एंड अभी तक तो वैसे लिखा नहीं है कि आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी है बट हाँ ऑनलाइन ही करना है तो ऑनलाइन मोड से ही पेमेंट वगैरह भी है फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं और जो भी पॉइंट्स हैं सो आई थिंक यस दैट इज इट फॉर टुडे तो ये इन्फॉर्मेशन थी अब हम एक बार देख लेते हैं कि अप्लाई करना कैसे है पोर्टल कहाँ से आप विजिट कर सकते हैं सो so यस yes, आपने देखा ये सारी चीज़ें तो नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट्स का सेक्शन था उसके बाद यहाँ पे देखिए एडमिशंस का ऑप्शन है इसे एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ डाउन में आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन इस पर क्लिक करेंगे तो ये है फॉर्म इसी को आपको फिल करना है एंड येस uh, yes, आप सबमिट कर सकते हैं सो so, देख लीजिएगा और भी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए एंड कॉन्टैक्ट uh, भी कर सकते हैं आप इन्हें तो यस दैट इज़ इट फॉर टुडे ये था आज का वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस